Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. नमस्कार गेमर, स्वागत है आपका द गेमिंग चैनल। आज हम बात करेंगे नए गेमिंग लैपटॉप Asus ROG Strix G 2020 वेरिएंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं लैपटॉप के लुक्स से। आप देख सकते हैं यह लैपटॉप 2019 के ROG Strix G से काफ़ी मिलता जुलता है। इसका डिज़ाइन BMW के कोलाब्रेशन से बनाया गया है। लुक वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। ब्रश मेटल डिज़ाइन से लुक काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। कीबोर्ड में 101 RGB दिया गया है, जो मेरा सबसे फेवरेट फीचर्स है। बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसमें इंटेल कोर i7-1075H प्रोसेसर दिया गया है, जो 10th जनरेशन कॉमेट लेक आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। बेस क्लॉक इसका 2.6 GHz और टर्बो बूस्ट अप टू 5 GHz स्पीड है। ग्राफिक्स कार्ड NVIDIA GeForce GTX 2050 Ti 4GB VRAM के साथ दिया गया है। 144Hz का फुल HD गेमिंग डिस्प्ले दिया गया है। इसके साथ आपको 1TB इंटेल का SSD देखने को मिलता है, साथ ही में 8GB RAM दिया गया है। इसके साथ Wi-Fi 6 का सपोर्ट भी दिया गया है और फीचर में आप 1TB SSD और अप टू 32GB RAM अपग्रेड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कूलिंग सिस्टम के बारे में। कूलिंग सिस्टम मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा दिया गया है। मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है इसमें, तो इसका टेम्परेचर जो है वो अप टू 87-85 तक AAA टाइटल गेमिंग में रहता है, जो काफ़ी अच्छा है। AAA गेमिंग में आराम से 70 FPS अल्ट्रा टू हाई सेटिंग में दे देता है। ओवरऑल बढ़िया लैपटॉप है इस प्राइस रेंज में। स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको AAA गेम प्ले दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय। Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times.